ball. देखिए इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़ लीजिए, ऐसे तोड़िए। देखिए नमस्कार, मम्मी एमी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बिल्कुल सिंपल चिकन बनाने जा रही हूँ, तो कुकर में बनाऊँगी, सिंपल रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग इंजॉय करो। तो ये केजी चिकन है, इसे विनेगर से धोई हूँ, बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल सिंपल तरीका से बना रही हूँ। और तेल बहुत हीट, बहुत हीट, बहुत हीट है तेल, तेल को मैं ज़्यादा हीट करी हूँ। इसको हाफ फ्राई करूँगी, फुल फ्राई नहीं करूँगी। इसको तब तक भूनूँगी जब तक इसका पानी छोड़ देगा, चिकन का पानी छोड़ देगा और थोड़ा सा चिकन ऊपर ऊपर से पक जाएगा, अंदर कच्चा ही रहेगा, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो मसाले बिल्कुल सिंपल में डाल रही हूँ। तो ये हल्दी है, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और मिर्ची की क्वांटिटी अपना तीखा जितना आपको खाना है उतना डालना है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगर ज़्यादा डाल रही हूँ तो आप भी डालो। मैं 2.5 चम्मच इसमें मिर्ची डाल दी हूँ, और इसमें नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक लेना है। और ये मेरा सिगरेट मसाला है, ये भुना हुआ मसाला है, सिगरेट है, तो ये मैं बाद में डालूँगी। इसे गरम मसाला मान लीजिए या चिकन मसाला, मीट मसाला, कुछ भी समझिए, लेकिन सिगरेट मसाला है मेरा, जो कि इसमें सारे मसाले को मैं भून के पाउडर बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट कर दी हूँ आप लोगों को। और इधर टमाटो है, टमाटो और प्याज, प्याज को बिल्कुल रफली देखिए मोटा मोटा काट ली हूँ, इसको बिल्कुल बारीक नहीं काटना है। और साबुत लहसुन है, और अदरक को घीस ली हूँ मैं। तो देखिए चिकन कितना भुनाया है, कितना परसेंट, थोड़ी सी से और मैं भूनूंगी, इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो सारे मसाला मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, ताकि कहीं पे नमक ज़्यादा और कम ना हो, और पानी में इसे घोल लेती हूँ। और 5 मिनट के लिए इसे, जब तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ चिकन का, जब तक ये भीग जाएगा इसके अंदर, यानी फूलना, सारा पानी के एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मुझे इसे अच्छी तरह से खोल देती हूँ। तो देखिए अभी बिल्कुल पका नहीं है, बस हल्का हल्का रोस्ट हुआ है ऊपर से, और अंदर से बिल्कुल कच्चा है चिकन, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप ऐसे बनाइए, रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। बिल्कुल डीप फ्राई नहीं है, और तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, तो इस चीज़ को तो लेना पड़ेगा थोड़ा सा। कभी कभी सप्ताह में एक दिन थोड़ा तेल खा लें, दो तीन दिन तक सब्ज़ी में कम तेल यूज करें, और इसका बहुत बहुत टेस्टी बनेगा, ज़रूर बनाइए सिंपल तरीका से। तो हमने देखिए साड़ी निकाली, और जितना चिकन का फ्लेवर है जो इसी के अंदर है, तेल के अंदर जितना भी चिकन का फ्लेवर है, तो उससे और भी अच्छा बनेगा। अब इसमें मैं मोटा मोटा जो प्याज काटे थे इसको डाल दिए, और इसे मैं अच्छी तरह से, लहसुन भी है इसके अंदर, लहसुन भी डाल दिया और अदरक भी डाल दिया, और इसे भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे भी हाफ फ्राई करना है। तो प्याज देखिए हाफ भुनी हूँ मैं, अब टमाटर डाल रही हूँ, और टमाटर के बाद मैं मसाला डाल रही हूँ, जो मसाला मैं घोल के रखी थी वो मसाला। अब इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो मसाला भून गया है, अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी पक जाए, और इसे बंद करके 3 सीटी लगाऊँगी। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, 3 सीटी लगाऊँगी। तो मैं इसका सीटी निकाल दी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, और इसके बाद गैस जला दूंगी, नहीं तो अभी गैस जलाऊंगी तो फिर से सीटी पकड़ लेगा। खुल गया ये देखिए,
इसमें मैंने 3 सीटी लगाया। अब गैस फिर से जला देती हूँ और ये देखिए मसाला, अब इसे अच्छी तरह से इसे मैश करना है। उसमें से टमाटर की छिलका आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, कोई ज़रूरी है निकालने, खुद ही छिलका तो गलता नहीं है लेकिन निकल जाता है खाने के टाइम में, और इसलिए निकाल दिया जाता है कि मुँह में ना जाए। तो आप देखिए इसमें प्याज है, देखिए लहसुन, चम्मच दिखा दी उनका, हाँ उंगली जल जाए, ये देखिए गल गया, देखिए ये गल गया, ये प्याज देखिए ये बिल्कुल गल गया। इसे अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेना है ताकि इसका पूरा ग्रेवी में हो जाएगा, पूरे इसे मिक्सी से पीसने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये सिगरेट मसाला जो है ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद चिकन, और चिकन मसाला भी थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूंगी, कोई सा भी चिकन मसाला इसमें से आधा डालूंगी बस फ्लेवर के लिए। और 1 सीटी अब लगा दूंगी, तो चिकन आप देखिए अच्छी तरह से पक गया है, अच्छी तरह से नहीं पका है, अब पकेगा अच्छी तरह से। इसे थोड़ा बढ़िया से देखिए, अब मैं इसमें 1 सीटी लगाऊंगी बस। कितना बढ़िया बना है, स्पाइसी देखिए, वाह ये देखिए, ये देखिए कैसे सीज गया, मैं दिखाती हूँ, गरम है ये देखो, बिल्कुल देखो बिल्कुल कैसे सीज गया, और बहुत ही टेस्टी बना है, खुशबू कितना अच्छा रहा है। और इसके अंदर रोटी, जैसे खा सकते हो इसे तोड़ के आप मिला के खाओ रोटी के साथ, कितना बढ़िया लगेगा। और देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है इसका, कितना बढ़िया हो गया। तो ये एक बाइट में अपने बेटा को खिला करके दिखाती हूँ कैसा है खाना, बताइयो। एकदम मटन टाइप स्वाद है, टेस्ट बढ़िया है, फ्लेवर अच्छा है, नमक वगैरह सब। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। देखिए इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़ लीजिए, ऐसे तोड़िए, देखिए कितना बढ़िया टूट के अलग हो जा रहा है, बिल्कुल टूट जा रहा है, ये देखिए कितना मस्त है।